Hey guys, welcome back to Indian Soldier One. इस वीडियो में आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो लिटरली मेरे को एज पे ले आए हैं, मेरे को गुस्सा दिला रहे हैं, बिकॉज हम लोग एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन की हर चीज की तारीफ तो करते हैं बट जो उनकी नेगेटिव साइड्स है ना वो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आज मैं इस वीडियो में मोस्टली वही डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना बिकॉज आप लोगों की ओपिनियंस भी मैटर करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जो आप लोगों को देने हैं इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा तो प्लीज़ एंड तक जरूर देख लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऑलरेडी नहीं करा हुआ। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से और वो है एक्सबॉक्स की तरफ से आने वाली ये न्यूज़, माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स स्ट्रीमिंग स्टिक एंड एक्सबॉक्स ऐप डिलेड बाय 12 मोर मंथ्स। यार ये चीज़ ना रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है गेमिंग इंडस्ट्री में। तुमने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ रहा है। मेरे ख्याल से ये भी एक मेजर रीज़न है कि प्रोमिसज तो किए जाते हैं फिर उन पर डिलेज पे डिलेज पे डिलेज, और इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है साइबरपंक 2077। उस गेम ने जितने डिलेज दिखाए हैं शायद ही किसी और गेम ने दिखाएंगे होंगे। एंड ये चीज़ सर्विसेज, मतलब जो हार्डवेयर हो गया, सर्विसेज हो गया एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन की तरफ से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनाउंस तो कर दी जाती हैं, उनके एक सेट टाइमलाइन भी बता दिया जाता है कि समर ऑफ 2022 या फिर बाय फॉल 2021, इस तरह की डेट्स दे दी जाती हैं, एक टाइमलाइन दे दिया जाता है एंड देन डेट्स अनाउंस नहीं होती, उसको पुशबैक मिलता रहता है। तो ये चीज़ फिल स्पेंसर ने करीब ऑलमोस्ट एक साल पहले डिक्लेयर करा था कि एक्सबॉक्स की एक ऐप आएगी और साथ में एक्सबॉक्स स्ट्रीमिंग स्टिक पीसी के लिए, नहीं सॉरी टीवीज के लिए, तो आप डायरेक्टली टीवीज के अंदर स्ट्रीम कर पाओगे एक्सबॉक्स स्ट्रीमिंग स्टिक्स के थ्रू। और ये इंडिया के लिए तो प्रॉमिस नहीं होता बट ऑब्वियसली जब ये चीज़ें आती हैं तो धीरे 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 सारे प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं। लेकिन यार अब यहाँ पे बहाना क्या दिया जा रहा है, यूक्रेन जो वॉर चल रही है उसको लेकर और लॉकडाउन इन चाइना, इसको लेकर ये प्रॉब्लम्स अकर हो गई हैं फिर से और डिलेज पे डिलेज आपको 12 मंथ्स के और देखने को मिलेंगे। जब ये चीज़ें ग्लोबल लेवल पे कुछ कंट्रीज़ में आएंगी उसके बाद तो इंडिया का नंबर आता है, जब ये आ ही नहीं रही तो इंडिया का नंबर तो छोड़ दो भाई, पता नहीं ये चीज़ें कब देखने को मिलेंगी। बट प्रोमिसज गेमिंग इंडस्ट्री में आजकल बहुत ही डिलेज के साथ देखने को मिलते हैं, इसके बारे में क्या कहना नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये भी एक यार गुस्सा दिलाने वाली न्यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। नेक्स्ट जेन प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स SoC इज रिपोर्टेडली इन द वर्क्स एट AMD। तो ये न्यूज़ ना पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रही है, इसके बारे में रेडिट पे सब रेडिट्स बन रहे हैं, बहुत सारी पोस्ट हो रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं। हो क्या रहा है कि नई प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स की SoCs यानी कि सिस्टम ऑन चिप्स जो प्रोसेसर्स होते हैं एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन के अंदर, वो आज की डेट में AMD बनाता है एंड अब नेक्स्ट जनरेशन चिप्स के ऊपर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है AMD के अंदर। ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये बोला जा रहा है प्ले स्टेशन 5 प्रो या फिर PS6 के लिए भी हो सकता है, जो कि मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल है, बट PS5 प्रो के लिए हाईली लाइकली। और एक्सबॉक्स का जो एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन होगा उसका नाम क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन एक तरह से 8K रेजोल्यूशन एट 60 FPS काइंड ऑफ थिंग जो है यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ से है कि भाई प्ले स्टेशन 5 एक्सबॉक्स सीरीज एस तो फिर भी वाइडली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा इजीली, बट एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और प्ले स्टेशन 5 की तो पूछो मत भाई। जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो, तुम ऑन शेल्फ है ही नहीं, शेल्फ लाइफ इनकी ये समझ लो कि सेल्स की जो शेल्फ लाइफ होती है, मतलब ये चीज़ें आपको दुकानों पे मॉल्स में इजीली अवेलेबल हो, आप जब चाहो जाके परचेज कर सको, अभी तक वही दिन देखने को नहीं मिला और बातें चल रही हैं इनके प्रो वर्जन्स के लिए। भाई ये तो बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ी है। अगर AMD और सोनी और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि अपग्रेडेड वर्जन लेके आना है मार्केट में, तो आई थिंक दिस इज टोटल स्टूपिडिटी एट दिस पॉइंट। अभी यार पहले डिमांड तो पूरी कर लो, जिन लोगों ने प्ले स्टेशन 5 अभी ली है, अब तुम उन लोगों के लिए एक नई न्यूज़ लेके आ रहे हो कि आपकी जो प्ले स्टेशन 5 है वो इतना से आउटडेटेड हो जाएगी बिकॉज एक नया अपग्रेडेड वर्जन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मोर पावरफुल वेरियंट एक्सबॉक्स का और प्ले स्टेशन का देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इन न्यूज़ के बाद लोगों के पता है क्या क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मत पूछना, पहले बता दूँ क्वेश्चन ये आते हैं कि क्या हम प्ले स्टेशन 5 परचेज करें या फिर PS5 प्रो के लिए वेट करें या फिर हम एक्सबॉक्स के अपग्रेडेड वर्जन के लिए वेट करें। तो भाई आपको वेट किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीज़ बहुत जल्दी तो नहीं होने वाली, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा। बट ये
तब होनी चाहिए जब आपका प्रीवियस कॉन्सोल जो है वो अच्छा परफॉर्म करे और इजिली अवेलेबल हो। और नेक्स्ट न्यूज जो है वो स्पाइडरमैन 2 फैंस के लिए है। टोनी टॉड जो कि वॉइस दे रहे हैं ऑफ वेनम इन स्पाइडरमैन 2 प्लेस्टेशन 5 एक्सक्लूसिव गेम, उसके लिए मोशन कैप्चर शुरू हो चुका है अर्ली राइजन मो कैप टाइम। तो इन्होंने ट्वीट करा है, ये आप देख सकते हो May 9th को, आज का ही ट्वीट है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मो कैप टाइम का मतलब ये होता है कि मोशन कैप्चर टाइम, यानी कि जो गेम के लिए मोशन कैप्चर होते हैं, जो कट सीन्स वगैरह शूट होते हैं, उस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो शुरू हो चुकी हैं फॉर स्पाइडरमैन 2। और आई होप कि ये गेम डिले ना हो, हमें मुझे पता है यार 2024 में ही देखने को मिलेगी, उससे पहले तो भूल जाओ, बट आई होप कि ये डिले ना हो 2024 से ज़्यादा, क्योंकि वुल्वरीन के ऊपर भी इंसोमनिया गेम्स काम कर रहे हैं। आई होप ये दोनों ही गेम आर राइट ऑन ट्रैक। एंड गाइस लास्ट में मैं 2 क्विक न्यूज कवर करना चाहता हूँ। डाइंग लाइट का एक फ्री PS5 एंड PS4 एनहैंस्ड वर्जन अपग्रेड अवेलेबल है फ्रॉम May 5th। तो अगर आपने ऑलरेडी नहीं करा है, डाइंग लाइट आप खेलते रहते हो, तो गो एंड ग्रैब इट ऑन PS4 एंड PS5, आप फ्री में अपग्रेड कर सकते हो। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स इज वंस अगेन मेकिंग अ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वीडियो गेम। ये वीडियो गेम्स प्लेस्टेशन 2 पे मैंने खेली थी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की, एंड दे वर ग्राउंड ब्रेकिंग। बट इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स की रिसेंटली जो भी इमेज बनी हुई है ना, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, बट आई थिंक कि अगर ये अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करें तो बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते हैं ये। बट फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी ये कब तक आती है। तो गाइज दैट्स इट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं ऐसी एक और ज़बरदस्त वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।